दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये तीन क्वेश्चंस लगभग सेम है। इसमें कुछ नंबर लिखा है 5 -7/11, और ये लिखा है 220 -11/121, 4389 -193/195। ये तीनों क्वेश्चन दिखने में एक से हैं, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़े नंबर्स लिए हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। चलिए देखिए, ये करना सबको आता है, एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप एलसीएम लेंगे 11, एज्यूम कर लेंगे नीचे 1 है, तो 11 1 11 55 आ जाएगा यहाँ पे। 11 55 -7, कितना आ गया ये? 55 -7 आ गया आपका 48/11। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा आपको ऑप्शन ये, और ये आएगा 11 4 4/4/11। तो दोस्तों, हमें इतना सब कुछ करना पड़ा, वो भी क्वेश्चन छोटा था, तो इतना करके ये आंसर हमारा आ गया। अब क्या मैं ये मेथड इस क्वेश्चन में लगा सकता हूं? नहीं। क्या मैं ये मेथड इस क्वेश्चन में लगा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, लगा ही नहीं पाओगे आप। यानी 4389 की मल्टीप्लाई 195 से करोगे, फिर 193 माइनस करोगे, उसके बाद इस तरह से करोगे। देखिए, ये सब आपको आता है, आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, लेकिन क्या मैं इसका आंसर सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इसका आंसर हो गया 4 और नीचे 11 और 4? क्या मैं इसको एक सेकंड के अंदर ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी ऐसा लिख सकता हूं? देखिए, अब चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आया, यानी कि इसी फॉर्म में आ गया ये 14 माइनस। तो क्या करना है मुझे? 220 को 14 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर सेम प्रोसेस करूंगा, मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मैंने एक छोटी सी ऐसी ट्रिक निकाली कि मैं इसको डायरेक्टली एक सेकंड में यहां पे आंसर लिख सकता हूं। तो दोस्तों, इसी ट्रिक को डिस्कस करने के लिए आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया जिसका नाम है फ्रैक्शन, और मेरा नाम है अंकुर शर्मा, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चंस एक सेकंड में कैसे कर पाएंगे। ये ओवरव्यू देने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि आप समझ पाओ कि जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लास्ट में आके आपका ऐसा कैलकुलेशन बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा कैसा भी कैलकुलेशन बन सकता है जिसको करने में आपको कठिनाई आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट से। अब देखिए, अगर आपको ये चीज सीखनी है कि भाई मैं यहां से ये आंसर कैसे लेके आया, तो आपको ये वीडियो जितनी भी है पूरी देखनी होगी अंत तक, और टॉपिक शुरू कर लेते हैं अपना फ्रैक्शन। ये पूरा समझाने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, और बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, कुछ रूल समझ लेते हैं। मेरा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 क्या है, हम फ्रैक्शन को समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन दो टाइप के होंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं समझिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर आप नंबर लिख पा रहे हो तो वो एक फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब इसका उल्टा अगर मैं, सपोज ये तो 3/4 हो गया, अगर मैं लिखता हूं 4/3, तो ये भी एक फ्रैक्शन हुआ। लेकिन इन दोनों फ्रैक्शन में डिफरेंस है। एक्चुअल जो प्योर फ्रैक्शन है वो ये वाला प्योर फ्रैक्शन है, इसको आप समझ लीजिए, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। प्योर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। आप देखेंगे 3/4 की वैल्यू कितना होती है, लेस देन 1, ठीक है। अब 4/3 की वैल्यू यहां से आप कितना निकाल सकते हैं, देखिए ये इम्प्योर है, तो ये भी फ्रैक्शन, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1/3। आई होप कि आपको आता होगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू होती है इम्प्योर फ्रैक्शन की, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, और 1 से कम वैल्यू होती है प्योर फ्रैक्शन की, ठीक है। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आई, ये समझाने का एक रूल समझाने के लिए ये था। सपोज मिक्स फ्रैक्शन हमने उठाया और हमने लिया 1/3 हमने लिया, ऐसे लिखा हुआ है, तो रूल नंबर 1 मेरा ये कहेगा कि कहीं पे भी अगर 1/3 लिखा हो, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो 9/12/55 या 9/1/20, तो आप क्या कर देंगे, आप बीच में प्लस लगा के लिख देंगे इस तरीके से। ये रूल नंबर 1 हो गया आपका। रूल नंबर 2 क्या है, इसी का उल्टा, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है
7 + 3/4 ऐसे कहीं लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, देखिए वो माइनस में लिखा हुआ था, अगर कहीं पे प्लस में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो आप उसे क्या लिख देंगे, 7 3/4। इस चीज को आप समझिए। रूल नंबर वन क्या है मेरा फ्रैक्शन का, रूल नंबर वन है 1 1/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 + 1/3, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको मैं 1 + 1/3 की फॉर्म में लिख सकता हूं, और अगर कभी दिया गया कहीं पे 1 + 1/3 तो हम उसको 1 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे दिखाया। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है रूल नंबर 3 आपका। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कहीं पे दिया गया है 5 - 7/11 तो उसे आप कैसे लिखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है, अगर 5 - 7/11 दिया गया है तो उसे कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो में अगर यही ट्रिक आप समझ पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है आज। ये एकदम बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ये तो जनरल सबको पता भी होता है, ये एकदम बेस्ट है कि हम कैसे 4 4 4/11 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको पहले मैं एक ट्रिक की फॉर्म से बता रहा हूं, मतलब ट्रिक नहीं, जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि जनरल कंसिडरेशन है कि 5 को हम ब्रेक कर लेंगे 4 + 1 में, 5 को हमने ब्रेक कर लिया 4 + 1 में, और बाकी को ऐसे ही उतार दो आप 7/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस को भी ऐसे ही लिख दो, अब ये जो 1 - 7/11 है इसको आप एक साथ कर लो, यानी कि क्या करना है आपको, 1 - 7/11 का अगर आप इसमें माइनस करोगे 1 - 7/11 तो आराम से माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, 7/11 यानी कि 3/4 एक प्योर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो जब 1 में से आप लेस देन 1 घटाओगे तो कुछ चीज पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, तो 1 - 7/11 कितना आएगा, नीचे 11 आ गया, 11 - 1 = 11, और ऊपर कितना आ गया, 11 - 7 = 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 4 + 4/11। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हैं 4 + 4/11 को, रूल नंबर 1 के, रूल नंबर 2 के हिसाब से, कि जब भी कभी 4 + 4/11 दिया गया है तो आप लिख सकते हैं 4 4/11। ठीक है, देखिए ये तो बात हो गई समझने वाली, रूल नंबर 3 को आपने स्टेप बाय स्टेप समझा, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपने किया क्या है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ इतना किया है कि जो भी नंबर यहां लिखा हुआ है, चाहे वो 5 लिखा हुआ हो, चाहे वो 220 लिखा हुआ हो, या 4389 लिखा हुआ हो, आपने उस नंबर का लेस देन 1 कर दिया, यही किया ना आपने, एक कम किया ना बस, दिख रहा है क्यों किया, ये भी दिख रहा है आपको, आपने 1 कम कर दिया। ठीक है, तो आपने लेस देन 1 कर दिया। ठीक, पहला स्टेप हो गया कि जो भी नंबर यहां दिया गया है उसे लेस देन 1 कर देना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, दूसरा स्टेप होगा कि जो नीचे दिया गया है उसको एज इट इज लिखेंगे आप, 11 है तो 11 लिखेंगे नीचे, 121 है तो 121 लिखेंगे, 195 है तो 195 लिखेंगे, और दूसरा ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, देखिए ये 4 कैसे आया था, 11 - 7 करके आया था ना, ऊपर क्या लिखेंगे आप, ऊपर लिखेंगे आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे आप, तो यानी कि आप इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा भाई कि इस 5 से तो कर दो एक कम, आपने कर दिया 4। ठीक है, जो नीचे दिया गया है उसको एज इट इज लिखोगे आप, लिख दिया आपने 11, और ऊपर क्या लिखना है, 11 - 7, क्या लिखना है, 11 - 7 दैट इज 4 4/11, कितनी आसानी से आपने कर दिया। देखिए यही चीज मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ये तो था मेरा लॉन्ग मेथड, इस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया है। कैसे किया मैंने इसको, पहले 5 में से 4 + 1 कर दिया, एक कम कर दिया, फिर बाकी को ऐसे ही उतार दिया, अब उस 1 को 7/11 से ले गए तो क्या आया, 11 - 7/11 आ गया, अब 11 - 7 कितना होता है, 4 4/11। देखिए रूल नंबर 3 है ये, तो ये काम हमने आप डायरेक्ट कर दिया। अब रूल नंबर 4 भी आएगा एक, लेकिन उस रूल नंबर 4 को हम अभी लास्ट में समझेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो ये मैं 3-4 क्वेश्चन बोल रहा था कि कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, तो रूल नंबर 4 को भी समझेंगे हम। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है हमें, सिर्फ इतने में हमारा आंसर आने वाला है, इतनी जगह में ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वो क्या लिखेंगे आंसर, मैंने क्या बोला था, पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 कैसे लगेगा,
कोई भी वैल्यू माइनस प्योर फ्रैक्शन। मैं प्योर फ्रैक्शन क्यों समझाया था कि वैल्यू ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। अगर ये उल्टा है तो रूल नंबर 4 आएगा कंसिडरेशन में, यानी हम रूल नंबर 4 को समझेंगे। तो फिलहाल यहां पे रूल नंबर 3 है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 220 माइनस छोटा बटे बड़ा, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप आएगा आपका, आपने लिख दिया 119, 220 में से एक चला गया आपका 119, नीचे आप ऐसे लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, 121 माइनस 11 कितना आ गया 110, और ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, जो हमने पहले देखा था इसमें कि लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, बहुत सीधे से आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 4389 पहला स्टेप क्या आएगा कि भाई 4389 को पहले लिख दोगे आप 4388, क्यों लिखा 88, क्योंकि एक हमने कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे 195 है तो 195 लिखेंगे आप। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा 195 माइनस 193 कितना 2, तो ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, अभी पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा ये आ गया, तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे आप, यहाँ पे 14 का लिख दोगे 13 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, फाइनल आंसर नीचे 220 लिखा आपने और ऊपर कितना आएगा 220 पे से 17 गया, कितना बचा 203, ये इसका आंसर आ गया। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आप 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे यहाँ पे, कि वो तो कर ही लिया था, 4 क्वेश्चन दिए कि हम बहुत जल्दी से इसका आंसर निकाल देंगे विद इन 1 सेकंड, तो वो हमने कर दिखाया। अब रूल नंबर 4 को हम समझ लेते हैं। चलिए रूल नंबर 4 को समझने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने रेड इसमें लिखा हुआ है। इसमें रूल नंबर 1 भी यूज में आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं इसको रूल नंबर 3 को रब कर दे रहा हूं। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे, वो जो मैंने बताया था वो तो एक उसका पार्ट आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 14 1/11। देखिए क्या करेंगे आप, मैंने बोला रूल नंबर 1 से, क्या बोला था रूल नंबर 1 में कि 14 1/11 है तो आप ब्रेक कर लेंगे इसे, क्या लिखेंगे 14 + 1/11, आगे क्या है प्लस, 14 1/11 को क्या लिख दिया आपने 14 + 1/11, आगे 9 1/20 है तो क्या लिखेंगे आप 9 + 1/20, आगे क्या लिखेंगे, आगे माइनस है 9 12/55। ठीक है, तो 9 + 12/55, अब देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है तो यहां पहले ब्रैकेट लगाएंगे आप। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, क्योंकि जब बाहर जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाके सबको माइनस कर देगा प्लस वाले को। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, इसमें अब उसको ब्रेक कर ले, चलिए इसको अब ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर गया माइनस तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं ऊपर से जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जो 14 लिखा हुआ है, प्लस का 9 लिखा हुआ, माइनस का 9, सबको अलग कर लीजिए, तो क्या आएगा इस सबको अलग करने के बाद 14 प्लस का 9 माइनस का 9, ब्रैकेट बंद कर दिया और इन सबको भी एक साथ लिख लीजिए, प्लस 1/11 प्लस 1/20 और माइनस का 12/55। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 9 से 9 कट गया, इधर कितना बचा 14 प्लस, इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है। ठीक है, देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, 55। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आप 11 20 55 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 11 1 11 2 5, 5 से जाएगा 4 1 और 4, तो 11 × 5 × 4 कितना आ गया 220, तो 220 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 11 से आप 220 करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, 21 से 20 प्लस 20 से ये करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 टाइम्स और माइनस 55 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 48। ठीक है, चलिए उसको कर लेते हैं आगे, कितना आएगा ये 14 प्लस नीचे 220 लिखा हुआ है, 20 और 11 कितना हुआ 31, 31 माइनस 48 कितना आया माइनस का 17, देखिए इतना आ गया हमारा माइनस का 17। अब क्या आएगा ये
अगर आपको विजिबल है यहाँ पे, ये कितना आ गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ गया 14 माइनस 17 अपॉन 220। देखिए इतना आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि यही आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। बट इतना सारा काम कर लिया हमने, देखिए यहां भी हमने, ये भी हमने रूल्स लगाए हैं अपने, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, ठीक है। तो ये इतना शॉर्ट हो गया इतना करने के बाद, फिर भी लास्ट में इतना आ गया, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो हम बड़े आराम से कर चुके हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। यानी कि जो 14 है, पहले पहला स्टेप एक बार फिर समझा रहा हूँ, 14 का आप एक कम करके लिखेंगे 13, और नीचे का ऐसे ही लिख दोगे, और ऊपर 220 माइनस 17 203, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखा, ये कॉन्सेप्ट देखे, अब मैं रूल नंबर 4 आपको समझा रहा हूं कि क्या है रूल नंबर 4। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो थोड़ा वीडियो को बैक जाके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए रूल नंबर 4 में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, रूल नंबर 1, 2, 3 हो गया, अब रूल नंबर 4 में क्या है, सपोज ऐसे दिया गया है 17 माइनस 8 बाय 3, तो क्या है इसका मतलब। देखिए रूल नंबर 4 में है 17 माइनस 8 बाय 3, तो जो 8 बाय 3 है वो प्योर फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि इसकी अपने आप में वैल्यू 1 से बड़ी है। तो क्या करेंगे, रूल नंबर 3 की तरह ही होगा, स्पेशल कुछ भी नहीं है, इस इम्प्योर फ्रैक्शन को पहले प्योर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, चलिए कर लेते हैं। 17 का 17 लिखा, ये एडिशनल स्टेप रहेगा, 17 का 17 लिखा माइनस का, 8 बाई 3 को आप कैसे करोगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, 8 बाई 3 को करोगे 3 × 2 = 6 और 2/3 ऐसे, ठीक है। माइनस को आप अंदर ले जाओगे, 17 माइनस 2 माइनस का 2/3, 17 में से 2 गया 15 बचा, 15 माइनस का 2/3। अब बताइए मुझे क्या ये रूल नंबर 3 बन गया आपका। अब इतना काम आपको करना है, अभी अपने आप में रूल नंबर 3 फॉलो होगा, रूल नंबर 3 फॉलो होगा, कितना आंसर आएगा भाई, 15 का तो कर दोगे आप 14, और नीचे 3 ऐसी रहेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए रूल नंबर 4 क्या था, कि भाई जो भी आपका, अगर ये इम्प्योर फ्रैक्शन है माइनस में, 17 माइनस इम्प्योर फ्रैक्शन, तो पहले इम्प्योर को आप प्योर में कन्वर्ट करोगे, मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद, इस तरीके से प्रोसेस आपका चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें हमने देखी, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो फिर से मैं कहूंगा, इस अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 932 माइनस 15/21, ठीक। और दूसरा है, देखिए रूल नंबर 3 लगेगा इसमें बहुत आसानी से, और दूसरा है 321 माइनस 17/11, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला रूल नंबर 3 पे बेस है क्योंकि लास्ट में प्योर फ्रैक्शन है, यानी लेस देन 1 वैल्यू है इसकी, और ये इम्प्योर फ्रैक्शन है, इसको पहले कन्वर्ट करोगे फिर रूल नंबर 3 लगाओगे। आई होप कि आपको ये पूरा जो मैंने समझाया वो समझ में आया, ठीक है। अब अभी मैं सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूं, कि इससे पहले मैंने वीडियोस आपको मल्टीप्लाई की, स्क्वायर्स की, ये सब डाली, आगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब वीडियोस में बनाने वाला हूं। आगे आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस तरह की वीडियो, क्या कोर्स के लिए आप, या फिर पहले कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए इन सब के बाद। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।